गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 13, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स. बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, वी यूज अ वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हमने देखे हैं अलग अलग तरह की बिल्डिंग, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, मतलब नक्शे बने देखे हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए. राइट द नेम्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. तो इन स्ट्रक्चर्स के हमें अलग अलग नेम लिखने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है अ लार्ज स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इवेंट. एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना होता है. ठीक है, किसके लिए? जिसमें स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कोई भी इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेडियम. ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है, इसमें से आपको फिल करना है. देख के इधर इसमें आएगा स्टेडियम. नेक्स्ट देखो, सेकेंड, अ बिल्डिंग वेयर ट्रैवलर्स कैन स्टे एंड टेक मील्स. एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ट्रैवलर, यात्रा करने वाले रुकते हैं और अपना खाना वगैरह खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? होटल. ठीक है, जहाँ पे हम कहीं भी जाके रुक सकते हैं. अ लार्ज बिल्डिंग वेयर प्लेज, मूवीज एटसेट्रा आर शोन. जहाँ पे नाटक होते हैं, प्ले मतलब नाटक और मूवी वगैरह दिखाई जाती हैं. एक ऐसी बिल्डिंग होती है बड़ी सी, उसको क्या बोलते हैं? आप सब लोग यहाँ पे गए हो ना, सिनेमा हॉल जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं थिएटर. ठीक है, अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर टू होल्ड एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स. एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, क्लोज्ड मतलब बंद होता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर, HANGER, हैंगर. अ लार्ज सेल्फ सर्विस ग्रोसरी स्टोर. एक बड़ा सा स्टोर होता है जहाँ पे खुद सेल्फ सर्विस होती है, जहाँ पे हमें खुद सामान चूज करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर मार्केट. एन ओपन आउटडोर थिएटर विच हैज अ शॉपिंग गैलरी विद सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स मतलब होते हैं दर्शक. एक ओपन आउटडोर खुला हुआ होता है थिएटर की तरह होता है, विच हैज अ शॉपिंग गैलरी, जिसमें शॉपिंग गैलरी भी होती है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स होते हैं, उसमें तरह तरह की दर्शकों के लिए सीटें बनी हुई होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम. नेक्स्ट देखो, अ बिल्डिंग विच हैज अ कलेक्शन ऑफ मॉडल्स एंड एग्जिबिट्स. एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें क्या क्या होता है? मॉडल्स का कलेक्शन होता है और एग्जिबिट्स का, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं इसको. इसका था बेटा एम्फी थिएटर था इसका, सॉरी बाय मिस्टेक बोल दिया था, इसका है म्यूजियम. नेक्स्ट देखो, अ प्लेस वेयर पीपल टेक मील्स. एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 14, टूल्स एंड प्रोफेशनल. अलग अलग तरह के, देखो यहाँ पे हमें टूल्स दिख रहे हैं ना, मतलब औजार दिख रहे हैं अलग अलग तरह के, वो प्रोफेशनल से रिलेटेड होते हैं, उनको आपको मैचअप करके लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ये देखो ए बी सी डी, ये सब आपको दे रखा है, इससे आपको हिंट से करके लिखना है. फर्स्ट का है कि किसके लिए यूज किया जाता है, ये है बार्बर. ये इसको कौन यूज करता है? बार्बर, जो नाई होते हैं, हेयर कट कराने जाते हैं. इसको कौन यूज करता है? पेंट को कौन यूज करेगा? देखो यहाँ से, पेंटर. थर्ड इज, इसको कौन, स्टेथोस्कोप. इसको कौन यूज करेगा? डॉक्टर. नेक्स्ट इज फोर्थ, इससे क्या बनाते हैं? घर वगैरह बनाते हैं, वो मिस्त्री लोग जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मैसन, MASON, मैसन. ये प्लायर होती है, क्लास बोलते हैं जिसको. इसको कौन यूज करता है? इलेक्ट्रीशियन. नंबर सेवन, ये कौन यूज करता है? मशीन स्टिचिंग के लिए यूज की जाती है, इसको कौन यूज करता है? टेलर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको कौन यूज करता है? इसको यूज करता है कारपेंटर, लकड़ी वगैरह काटने के लिए जो यूज किया जाता है. इसको कौन यूज करते हैं? खाना बनाने के लिए कुक यूज करते हैं. ठीक है, और बुक्स कौन यूज करता है? टीचर. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर्स को देख के इसको फिल करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नीचे फैक्ट फंडा दे रहा था. वी यूज अ वैरायटी ऑफ आइटम्स इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में तरह तरह के आइटम्स का यूज करते हैं, विच आर कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल. ठीक है, ये हमारी डेली रूटीन की चीजें थी जो अलग अलग प्रोफेशन के लिए यूज की जाती है. टेलर कुछ यूज करता है, इलेक्ट्रिशियन कुछ यूज करता है, मैसन कुछ यूज करता है, डॉक्टर कुछ यूज करता है, इससे रिलेटेड. ओके क्लास, अब इसको एक्सरसाइज को करके आपको स्टैंड करना है. ओके क्लास, थैंक यू.